हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज के वीडियो पे हम बनाएंगे एक लेटेस्ट वन पीस ड्रेस। तो उसके लिए हमें ये सब सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो देख सकते हैं जो हमारा कपड़ा है वो बराबर नहीं है, तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करके अपने फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम फुल लेंथ जो लेंगे वो हम 15 लेंगे, जो बन के आएगा वो 14 आएगा। तो इस तरीके से हम दोनों साइड लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें शोल्डर बनाने में ईजी पड़ेगी। जो हमारा शोल्डर रहेगा वो हम रखेंगे 6 पे, और जो कलर है तो वो रखेंगे 3 पे। ओके, आगे का जो कलर रहेगा वो 6.5 पे रखेंगे। आर्महोल जो रहेगा वो हमारा रहेगा 6.5 पे। ओके, यहाँ से हम सीना लेंगे जहाँ से आर्महोल खत्म होती है। जो हमारा सीना है वो है 9 इंच एंड 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और इसके मदद से गोलाई दे देंगे। ये हमारा गला है वो वी है, इस तरीके से वी शेप देंगे। और पीछे के भी हम वी रखेंगे, पर हमारा जो पीछे का गला है वो 8.5। ओके, हाफ इंच डाउन रहेगा शोल्डर। कमर जो रहेगा वो हमारा 10 पे रखते हैं और इस तरीके से मिला लिया जाएगा। दिस इज आवर फाइनल टच, हम कटिंग करेंगे। तो हम आगे को हटा लेंगे और पीछे के लिए हम क्या करेंगे, गले को थोड़ा सा कर्व देंगे, वी में थोड़ा सा कर्व रहेगा। तो इस तरीके से हम हाफ इंच यहाँ से जाएंगे, हाफ इंच की दूरी पे, और इस तरीके से इसे देते हुए आने हैं। ये बैक साइड एंड दिस इज आवर फ्रंट साइड। हमारा मेन फैब्रिक है, इससे हम जो वस्त्र कटिंग किए उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके इसे डायरेक्ट ऐसे रख के हम कट कर लेंगे। हाफ हाफ इंच छोड़ के कट करनी है, इस तरीके से आपको कट कर लेनी है। दोनों निकाल चुकी हूँ, तो ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है, जो हम इसे अलग अलग करके सिलाई के समय निकाल लेंगे। तो चलिए, ये हमारा कटिंग हो चुकी है। अब हम लोअर पार्ट को कटिंग करेंगे, इसे हम साइड कर देते हैं। तो ये हमारा लोअर फैब्रिक है, देख सकते हैं, इसे भी हमें फोर फोल्ड में रखनी है। सो हमने कपड़े को फोर फोल्ड में रखा है, देख सकते हैं हमने कपड़े को फोर फोल्ड में रखा है। और अब हमें आप सबसे पहले गोलाई देंगे, तो चलिए गोलाई कर लेते हैं। सो घेरा निकालने के लिए आप फुल लेंथ से अपर पार्ट को माइनस कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने 14 लिया था अपर पार्ट, तो 14 को मैं माइनस कर रही हूँ। जितना आया है मेरा, मैं कमर से नाप के आपको टिक लगाना है कि आपका कितना नीचे का लोअर लेंथ का लेंथ आ रहा है। तो मैंने नीचे से टिक लगाया है, कमर से मैं दिखाती हूँ कहाँ है। सो देख सकते हैं जो मेरा कमर है वो 9 इंच पे है। मैंने 9 इंच पे इस तरीके से मार्क करके मैंने नीचे का घेरा पे टिक लगाया है, इस पर ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं मेरा 9 इंच पे कमर है, तो मैं ऊपर से भी इस तरीके से जिस तरीके से ऊपर से मेज़र कर रही हूँ, राउंड राउंड जो शेप दे रही हूँ, ये मैंने ऊपर से टिक किया है। सेम इसी तरह का मैंने अभी नीचे भी इसी तरीके से मैंने अभी टिक लगाया है। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे 36 जो कमर है मेरा वो 36 है, तो 36 का 9 पे देखिए मैं इस तरीके से निशान लगाई हूँ। तो ऊपर से करने से क्या होता है कि आपका सही अंदाज़ा लग जाता है राइट एंड लेफ्ट साइड में। हाफ इंच डाउन करते हुए मैं इसे गोल घेरा दे रही हूँ। तो चलिए मैं कट कर लेती हूँ लोअर पार्ट को। सो चलिए अब हम नीचे भी कट कर लेते हैं। सो इस तरीके से कट करिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा घेरा निकल के आता है और ये अस्तर बहुत ही अच्छा फुला फुला लगता है। सो हमारा अस्तर कट चुका है, तो अब हम मेन फैब्रिक को काटेंगे। तो मेरा मेन फैब्रिक देख सकते हैं नेट है, और इसे मैंने बहुत सारा फोल्ड में रखा हुआ है, 4 फोल्ड 8 फोल्ड इस तरीके से, मैंने 16 फोल्ड में इस तरीके से रखा है, क्योंकि नेट मेरा जो है ये
पूरा 5 मीटर है। तो मैं एक अगर सिंगल सिंगल काटूंगी तो मेरा जो सीधा लकीर है, जो सीधा लाइन है, वो आगे पीछे भी हो सकता है। इसलिए मैंने इस तरीके से बहुत सारा फोल्ड में एक ही बार में निकाल रख ली हूँ, जैसे 16 फोल्ड में। और जो मेरी लंबाई है वो मैं अस्तर को रख के, इस तरीके से अस्तर को रख के मेज़र कर लूँगी। मुझे नापने का दोबारा नापने का ज़रूरत नहीं होगा। 1 इंच ऊपर से बस छोड़ देनी है और नीचे से भी मैं 1 इंच छोड़ दे रही हूँ। और चलिए अब इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं और ये हमारा ढेर सारा चून बन के निकल आएगा। सो जो हमारा कटिंग सेशन है ये ख़त्म होता है। सो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो देख सकते हैं मेरा ढेर सारा चून निकल आएगा। सो हमारा जो कपड़ा बन के रेडी होगा वो इस तरीके से दिखेगा। सो अगर आपको स्टिचिंग वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलें। सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।